वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज गुलजार एंड यू गाइस वाचिंग और रिएक्ट। सो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करती हूं कि बिल्कुल ठीक ठाक और मजे में होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो आप सबके पुर जोर फरमाइश पर है। अलवेश यादव एटीट्यूड पार्ट टू लेकर आप लोग के लिए हाजिर हो गई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका दिल से बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अलवेश यादव एटीट्यूड वीडियो पार्ट वन को आप सबने इतना पसंद किया, इतने सारे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स और उसके साथ धड़ाधड़ लाइक करते रहे। तो अलवेश यादव की फैन फॉलोइंग की जो पावर है वो आप लोगों ने मेरी वीडियो पे दिखाई, सो उसके लिए थैंक यू गाइज। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाएंगे और उसी तरह लाइक एंड कॉमेंट जरूर करेंगे। सो अभी चलते चल के पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी की बातें बाद में करेंगे। 3, 2, 1 लेट्स गो। सो गाइस ये करती है मैंने वीडियो प्ले। अगर जिस दिन मैं सामने आगा ना, मां अगर हम खाल तार दूंगा साड़े की, भगवान कसम मजाक से खुली चाले खुली दम की खाल तार दूंगा। वो शहर में है का बजे राव साहब कदी आर पार का रेड ब्रांड भी चले देख मारे ब्रांड का। इतनी देर होगी तक तमीज से बात करते करते, इंटरव्यू लेना है या नहीं, बात खत्म वहीं पे। तेरे बाप के नौकर नहीं लग रहे हैं, सारे टाइम हंड करेंगे जो हाँ तेरते तो भागेंगे हम। ये तो दिन आ गए हमारे, तुम जैसे टट पहुंच जाओ तो भागेंगे हम। यही है भाई, कर देती होंगी ना। अप्रोच भाई, मैं पहली बात तो अकेला नहीं चल पाता भाई। मैं बताता हूँ सीन क्या होता है वहाँ, उसमें दो सीट है, लड़की के लिए जगह ही नहीं है। एक पे रखा होता है पैसा, एक चल तेरी जैसी 36 आएगी सिर जाएगी पर तू नहीं आएगी, ठीक है। तेरे बाप की जगह जो तेरे फालतू पंडित का नगरे सोना लग रहा हूँ। इतनी माँ था बच्ची ना, अपने घर वाले के साथ भी नगर करूँ मैं, किसी सोरी वोरी मांगता फिर ठीक है ना। अरे इतनी सोरी किसी और छोरी का आगे मांग लेता ना, मेरे चिपट जाती, चिपटे तो चुटानी पड़ती वो गुड़गांव का पैनी बैग ले। बहुत ज्यादा पैसा है हमारी जेब में भरी है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ना एक बड़ा बड़ा अपनी कमर पे लिखवाऊं सिस्टर। लेकिन अब अपने सच्चे प्यार को नहीं खोना चाहते, हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है ना तो तुम मुझे रोक ले। नहीं रुकेगा, नहीं। छोड़े बागी चली जा। बागी चली जा। क्या बंदा है, अमेजिंग। यहाँ पे हमारे क्षेत्र में वो बॉलीवुड स्टार से भी ऊपर है, स्टार है वो। हमारे इसमें एनसीआर में मेरठ वेरठ के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है अलवेश यादव। जहाँ चला जाए वहीं चक्का जाम, चक्का जाम लगा पूरा, बहुत तक चक्का जाम। कुछ शक नहीं, कभी चेक नहीं, भी बजट भी चल रहा है। अमेजिंग। ये कोई शक नहीं, चक नहीं, चेक नहीं, भी बजट लेते हैं। मुझे पता भी नहीं था, मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था। अमेजिंग।
सो दिस वॉज द एटीट्यूड वीडियो पार्ट टू ऑफ अल्पेश यादव एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना मैंने इसे एंजॉय किया. और बाकी मैं ये कहना चाहूंगी कि जितनी बार भी अल्पेश यादव की एटीट्यूड वीडियोज देखो ना, अलग ही मजा आता है. क्योंकि जो उनका अंदाज है ना, सुपर नेचुरल, फुल ऑन बिंदास, मतलब वो किसी की भी परवाह नहीं करते सामने, चाहे कोई भी हो, मीडिया पर्सन हो, पुलिस हो या कोई और. वो अपना जो उनका ओरी स्टाइल है ना अल्पेश वाला, वो उसको कैरी करते हैं. और जैसे वो फोन पे बात कर रहे थे, कोई उनका इंटरव्यू था और उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, जिस तरह से वो सामने बात कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं भागता नहीं हूँ, और उसको जितनी बुरी तरह उन्होंने लथाड़ा, मतलब मजा आ गया देख के. उसके बाद जिस तरह सारी जो वीडियोस थी, जो वो लड़कियों वाली भी थी, कि वो लड़की कहती है कि मुझे रोक लेना, वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी जा तो वो मुझे बहुत ही तरह बेस्ट वीडियो वही लगी. और मुझे यही उम्मीद थी कि ऐसा ही करेंगे वो, कभी भी वो ये नहीं कर सकते कि वापस बुलाए जा. और जो तीसरी सबसे बेस्ट क्लिप मुझे वो लगा कि गाड़ी में दो ही सीट रखते हैं, जिससे एक वो खुद बैठते हैं और दूसरे में पैसा, मतलब किसी की टेंशन ही नहीं पालते, कोई ऐसा लव एंगल ही नहीं रखते अपनी जिंदगी में, कोई अपनी वीकनेस नहीं रखी हुई. और उसके साथ जिस तरह से उनका चलने का, उनका देखने का स्टाइल है ना, मतलब फुल ऑन किलर, मजा आ रहा है देख के उनकी हर एटीट्यूड वीडियो को. और जितने वो जबान के खड़े हैं ना, और उनकी जो दिल में है वो ही उनकी जबान पे है, यही उनकी वजह है कि वो अपने फैंस में इतने पॉपुलर है, इतनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है. वो तो हमने लास्ट वीडियो से अंदाजा लगा ही लिया कि जिस तरह उस क्लिप में उन्होंने बोला कि हमने एक मीटअप रखा, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200-300 लोग आएंगे, और उसमें भी डर लग रहा था कोई आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब मीटअप हुआ तो 10,000 लोग आए थे, और पुलिस की DGSP सब उन्हें ढूंढने में लगे थे कि आखिर ये अल्पेश बंदा कौन है जिसके पीछे इतनी भीड़ लगी है. सो ऐसा, मतलब इस लेवल पे आने के लिए ना आपको अपनी ऑडियंस से वही कनेक्शन चाहिए होता है, और वो बनता है दिल से. सो अल्पेश यादव बाकी लोगों के दिलों पे राज करते हैं किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं, बल्कि जैसे एक वीडियो में बोला कि सेलिब्रिटी से बढ़ के उनके लिए चक्का जाम करा दिया जाता है. सो गाइज, मुझे बहुत मजा आया है, होप आप लोगों को भी इस वीडियो को देख के उतना ही मजा आया होगा. और अगर आप लोग मेरी तरह अल्पेश यादव के फैन हैं, सो जल्दी से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा राव साहब के लिए. और इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोज आती रहे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा. मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग मिस ना करें. सो गाइज, विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.